हेलो प्लेयर्स, डे ऑफ गेम्स में आप सबको फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से खेलने वाले द आर्क मोबाइल, देन लेट्स स्टार्ट द गेम। हेलो, तो आप देख ही पा रहे हैं पिछले एपिसोड में हमने जो बिल्डिंग बनवाया था, तो आज हम इसका जो इलेक्ट्रिकल जो सेटअप है वो टोटल कंप्लीट करेंगे, और जो बेसिक सेटअप भी है वो सब कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलते हैं अंदर। यह से पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि दरवाज़ा खुलने में बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है। ओए, ये चीज़ क्या है घर के अंदर पे? मैंने यहाँ पे घर बनवाया फिर भी ये पर घर के अंदर कैसे होगा? वैसे एक तरफ से देखा जाए तो इस ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है, एक किसी मॉन्यूमेंट जैसा लग रहा है। अगर मैं इस पेड़ पे टहनियों पे कुछ लगा पाऊँ तो लाइट या फिर कुछ और चीज़, तो ये और भी ज़्यादा निखर के आएगा। तो कोशिश करेंगे उसका, फ़िलहाल इसको छोड़ते और जो असली काम है उस पर ध्यान देते। मतलब इस बिल्डिंग को एक चीज़ तो मिल गया सजाने के लिए, और बाकी के जो काम की चीज़ है वो बिठा लेते। तो मैंने पहले ही कहा था यहाँ पे हम फैब्रिकेटर बिठाएंगे और यहाँ पर जनरेटर रहेगा, तो जल्द से जल्द उसको लेकर आते बिठाने के लिए। जो जो सामान चाहिए था वो सब मैंने बना कर ला चुका हूँ, और इनको सब मैं हॉट बार में सेट कर देता हूँ क्योंकि ऐसे बिठाने में आसानी होगी। बहुत फटाफट मैंने सेट कर दिया। फ़िलहाल के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी सामान है उन्हें सेट करेंगे, बाकी अब रहने देंगे क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ पे बिठाने वाले हैं उसे ही लेंगे और बाकी चीज़ को बाद में लेंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द इसको बिठा देते हैं एकदम परफेक्ट पोजीशन पे। परफेक्ट ग्रीन आई थिंक यहाँ पे मिलेगा, आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट पोजीशन। हाँ, इस साइड से एक थोड़ा ज़्यादा प्लेस नहीं है, और पीछे से देखना पड़ेगा। पीछे से सही है, एकदम परफेक्ट है। और अब बारी है इस आयरन इंगट बनाने वाले मशीन का, इसको यहाँ पे रखते हैं क्योंकि अगर मुझे आयरन इंगट का ज़रूरत पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, पहले एक काम करता हूँ, पहले मैं अबे ये लोग बाहर क्या उधम मचा रहे, बस थोड़ी देर रुक जाओ बड़े लोग। आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में हम इस जगह को पूरा वॉल से घेरने वाले हैं, उसके बाद ये लोग सारे बाहर हो जाएंगे, फिर इसे डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। उससे पहले मैं इसको सही से बिठा लूँ। सही से नहीं बैठ रहा है एकदम, आई थिंक दिस हिल गया, आई थिंक इस आप पे फिर से हिल गया। सही से बैठ जा भाई। हाँ एकदम परफेक्ट, पीछे से कोई इसको बंद करो, एकदम सही से बैठ गया। अब मैं दूसरा वाला भी सही से बैठा लेता हूँ। पहले मैं सोचा था कि इसको उसके साथ ही बिठाएंगे, फिर देखा कि नहीं बैठ रहा है वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि इसको इस साइड ही बिठा देते। बीच में वो जो आयरन इंगर बनाना मशीन बनने वाला मशीन है उसको बिठाएंगे, तो यहाँ पे सही से बैठ गया। अब मैं बस आयरन इंगर बनाने वाला वो मशीन इसको भी यहाँ पे रख देता हूँ एकदम परफेक्टली। तो आप लोग देखिए पर मैं इसको भी एकदम परफेक्टली बिठा दिया बीच में। अब बना देखता हूँ, अब फिर सारी चीज़ें क्राफ्ट करना है। उससे पहले मैं रात हो चुका है तो सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सो लूँ, फिर सुबह उठ के बाकी का काम करेंगे। ओके, तो सुबह हो चुका है और अब बाकी का काम करते हैं। और यहाँ पे मैं इनको बिठाया क्योंकि यहाँ से जो सामान बनाऊंगा या फिर बनाने के जो सामान चाहिए वो मैं इस जगह पे रख सकता हूँ। और ये जो आयरन इंगर बनाने वाला मशीन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत आयरन की ज़रूरत पड़ेगा। और अब इस साइड मैं सबसे पहले स्मिथी बनाऊंगा क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें क्राफ्ट करना पड़ता है, तो इसको सही से बिठा लेते हैं। और सबसे पहले जो ज़रूरी सामान है उन्हें इनग्राम में सेट कर देते हैं। फिलहाल सही है, आप उसको सही से बिठाते हैं। ओके, तो मैं इसको एकदम परफेक्टली बिठा। और बाहर से क्या कर रहे हैं ये लोग, दिमाग ख़राब। अबे नहीं बैठा है सही से, इन लोगों की प्रॉब्लम कर रहे बहुत सारा टाइमर्स बाहर से। ओके, तो इस बार मैंने परफेक्टली बैठा दिया, पीछे थोड़ा जगह खाली है रहने दो। अब इस यहाँ पे एक बॉक्स बसा बैठाएंगे, लार्ज बॉक्स, क्योंकि चीज़ें सामान तो रखना है ना यहाँ पे, तो इसको सही से बिठा लेते हैं, आई थिंक सही पोजीशन है। और अब बारी है आयरन इंगट वाला मशीन की, उससे भी यहाँ पे रखेंगे क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ता है, मतलब आयरन इंगट का बहुत ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे भी। तो नहीं नहीं, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि टेबल बैठा लूँ, टेबल को इनग्राम में ले लेते हैं।
बुक शेल्फ टेबल दोनों ले लेते हैं। पहले मैं टेबल बिठाता हूँ यहाँ पे, तो हम इस साइड को, नहीं मुझे लगता है आयरनिंग कर रही पहले बिठाना चाहिए, उससे परफेक्टली पोजीशन पता चलेगा कि मेरे पास कितनी जगह है, तो उस हिसाब से मैं बिठा सकता हूँ इसको। इस पे बिठा दिया, और अब बारी है टेबल की, तो एकदम लाइन से टेबल को बिठाना है, एकदम सही पोजीशन देख के। अबे थोड़ा सा सामने आ जा, थोड़ा सा और थोड़ा सा पीछे, अबे ज़्यादा चला गया, अबे सही से नहीं बैठ रहा। आई थिंक दिस इज परफेक्ट पोजिशन। अब बारी है बुक सेल्फ का, क्योंकि देखो बुक सेल्फ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रेसिपीज़ है और जो ब्लू प्रिंट्स है वो मैं, मतलब हम बुक सेल्फ पर रख सकते हैं, तो बुक सेल्फ का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको यहाँ पे सही से बिठा देते हैं, इसके साइड पे एकदम परफेक्टली, आई थिंक दिस एकदम परफेक्टली बैठ गया बुक सेल्फ भी। अबे बारिश भी स्टार्ट हो चुका है, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो ये जो पोजीशन है इसका, जो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक और जो लार्ज बॉक्स है उसे रखूँ, तो फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। और अब बारी है जो जनरेटर है उसे बनाने का, और उसके जो इलेक्ट्रिकल जो सामान है उसे भी बनाना पड़ेगा। तो जनरेटर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? मेटल इंगर और इलेक्ट्रॉनिक्स, और अब तक मैं इसे आयरन इंगर कह रहा था, मैंने सही से पढ़ा ही नहीं। नहीं ओहो, मैंने इसको यहाँ वहाँ पे बैठा ही नहीं, उसको पहले बैठा कर रहा था। अबे अबे कैसा बारिश है, तो घर के अंदर कैसे पड़ रहा है? मैंने छत के ऐसे ही बनाया है, छत के अंदर से बारिश गिर रहा है, क्या गेम का लॉजिक है? गेम का कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, जैसे घर के अंदर पेड़ रुक चुका है, बारिश भी हो रहा है। मैं इसे सही से बिठाता हूँ, एकदम साइड में बिठाएंगे, क्योंकि हो सके तो और दो की ज़रूरत पड़ सकता है या नहीं भी पड़ सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी और चीज़ यहाँ पे रख सकता हूँ मैं। इसको तो मैंने सही से बिठा दिया, अब बारी है मेटल इंगट की, क्योंकि उसे चाहिए मुझे जनरेटर बनाने के लिए। तो काम करता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास मेटल पड़ा हुआ है, उससे मैं मेटल इंगट बना लेता हूँ जल्द से जल्द। अब बस थोड़ा सा वुड डालना है, और लाइट ऑन कर दिया है, जला दिया है, अब बस मेटल बन जाएगा। लेकिन मैंने मेटल इंगट बनने के लिए ऊपर रखा था, उसे लेकर आना पड़ेगा। उससे पहले जो वुड्स है वो मैं इसके अंदर रख कर जाता हूँ, क्योंकि मेटल इंगट का बहुत वेट है, बहुत भारी है वो चीज़। तो चलते हैं मेटल इंगट लाने। मैं मेटल इंगट लाने गया था, लेकिन वहाँ पे मेटल इंगट नहीं था। मैं, अबे भाई साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे बंदा अंदर ही घुसा जा रहा है, अंदर क्या काम है तुझे? निकल बाहर, पहले फुर्सत में निकल। अबे बाहर निकल वरना मार दूंगा, इसको मारना ही पड़ेगा। शॉटगन का एक शॉट ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत डैमेज है शॉटगन का, देखा मैंने बोला था एक शॉट काफ़ी है, इसके इससे मीट भी मिल जाएगा मुझे। अबे तेरी से भी, चलो इसे जो मैं बोल रहा था, मेटल इंगर मैंने पहले ही ला चुका था, इसके अंदर रख दिया था, मुझे याद नहीं था इसको पहले। एक काम करता हूँ, अबे तू ऊपर कैसे बैठा हुआ है? हाँ चल अंदर, पहले नीचे बैठ, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। अच्छा ठीक है, अब हम जो बोल रहा था कि मेटल लिंगर मैंने पहले ही ला चुका था, जो मैंने इसके यहाँ पे इन बॉक्सेस में रख दिया था, मैंने सही से चेक नहीं किया, निकल गया मेटल लिंगर लाने के लिए। यहाँ पे शायद कहाँ पर ए रहा मेटल लिंगर, 500 मेटल लिंगर्स है, इसके ऊपर रखना पड़ेगा, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। बेहतर लेवल भी आप हो चुका है, इसका स्पीड बहुत कम है, स्पीड आप करना पड़ेगा इसका। इसके अंदर रख देता हूँ मैं मेटल इंगट, अब चल वहाँ तक मुझे लिफ्ट दे दे थोड़ा सा। इतना बड़ा जगह के यही एक फ़ायदा है कि कहीं पे भी जा, किसी को भी, किसी के ऊपर भी चल के जा सकते हो। अरे भाई बीबर, तुझे तो साइड करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो एक काम कर, तू ये जो पेड़ है इसका ध्यान रख, समझा? एकदम परफेक्टली ध्यान रखे हो, कुछ होना नहीं चाहिए। ओके, अबे ये आवाज़ कैसे? अबे तूने पेड़ काट दिया, मैंने तुझे ध्यान रखने के लिए कहा था। देखो इसने पेड़ काट दिया, कोई बात नहीं, पेड़ फिर से उग जाएगा, इसमें कोई टेंशन है नहीं। को तो मेटल, अबे 44 ओम इसके अंदर है, तभी मैं कहूँ मेरे पास 44 कैसे हो गए? इसके अंदर रखा था बाकी के, तो अब इसके अंदर डाल देते हैं।
आप और क्या चाहिए? वो इनग्राम बनाने के लिए तो और एक चीज़ चाहिए, क्या मोतिया चाहिए, पल्स चाहिए, तो उसे भी लेकर आते हैं। मैंने पहले ही कलेक्ट करके रखा था इन सब चीज़ों को। अबे तू की ऑन हो चुका है, हो गया। तो पल्स पल्स मेरा पल्स बहुत सारा पल्स है मेरे पास फिलहाल। फटाफट चीज़ें बना लेते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। अरे मैं भूल ही गया था कि इसे चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, और फ्यूल मेरा वो दूसरे बेस पे था, मतलब पुराने बेस पे था। तो बाहर से मैं जो जो ज़रूरी सामान है वो सब लेकर आ चुका हूँ। अब इससे फ्यूल देंगे, एक ही दूंगा फ्यूल फिलहाल, क्योंकि फ्यूल देखे फ्यूल स्टार्ट करते हैं और क्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं और भी ज़्यादा और भी बहुत से सामान लेकर आ चुका हूँ, जो मैं अपने सही जगह पे रख देता हूँ। और इनका सही जगह है बुक शेल्फ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रेसिपीज़ है और जो ब्लूप्रिंट्स है वो बुक शेल्फ में आसानी से रखता हूँ। तो मैं देख सकते हो मेरे पास कितने सारे रेसिपीज़ और बुक शेल्फ है, जो मुझे जो फ्री का जो रिवॉर्ड मिलता है, गिफ्ट मिलता है, वहाँ से मिला है, जो इनको मैंने रख दिया है। और पता है कि जो रेसिपीज़ है वो एक साथ दो दो है। अबे तू नीचे क्या कर रहा है? और तुझे क्या चर्बी चढ़ी है? सही से बैठ जा। तो आशा करता हूँ जो चीज़ें मैंने बनाने के लिए दिया था वो सब रेडी हो चुका है। देखते कितना रेडी हुआ है। ओके, काफ़ी रेडी हो चुका है, इससे मैं जनरेटर बना पाऊँगा। फिलहाल एक ही बनाते हैं जनरेटर, उसको स्टॉप करें। हो रहा है तो जनरेटर बन चुका है, अब बारी है इसको प्लेस करने की। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉलीमर भी बना लेता हूँ। इसके लिए चाहिए वो ऑब्सीडियन चाहिए और सीमेंट्री पेस्ट है मेरे पास फिलहाल। ऑब्सीडियन लाना पड़ेगा, फटाफट जाकर ऑब्सीडियन लाता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा जो बैग है उसको खाली भी करना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं 200 ऑब्सीडियन लेकर आ चुका हूँ। मेरे पास और भी है लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो इतना ही मैं कैरी कर पाया। तो 92 बन रहा है, बना देते हैं, तो बनने देते हैं। और अब टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट इस जनरेटर को प्लेस कर देते हैं एकदम सही से। ओके, तो ओए दीवार के अंदर घुस जा रहा है ये चीज़। मैं दीवार आई थिंक लिमिटेड साइज़ है, मतलब हाँ इतना तक मैं दीवार के अंदर रख सकता हूँ इसको। तो दीवार के अंदर चलेगा। एक काम करता हूँ मैं एकदम परफेक्टली इसको बिठा के फिर आपसे मिलता हूँ। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको एकदम परफेक्टली बिठा दिया। माना पीछे थोड़ा जगह है लेकिन ठीक, कोई बात नहीं, आई थिंक काफ़ी होगा। और अब फ्यूल डालना है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा रेफ्रिजरेटर बना लेता हूँ। उसको शायद मैंने अनलॉक नहीं किया, फटाफट अनलॉक करके रेफ्रिजरेटर बना कर फिर आपसे मिलता हूँ। ओके, तो आप लोग देख ही पा रहे हो मैंने पहले ही दो बना चुका है और लास्ट वाला बन चुका है। अब इसको प्लेस करना है, और मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर सीलिंग लगाऊंगा फिर उसके ऊपर प्रेस करूँगा। देखते बाद से मैं एक्सेस कर पाता हूँ या नहीं, इसको इनग्राम में ले लेते हैं। ओके, तो अब इसको ऊपर प्लेस करते हैं फटाफट। दो प्लेस करूँगा और उसके ऊपर मैं जो रेफ्रिजरेटर है उसे बिठाऊँगा। अगर मैं यहाँ से एक्सेस कर पाऊँ तो मतलब बहुत ज़्यादा प्लेस का कम यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा प्लेस मिल जाएगा मुझे। ओके, तो आई थिंक एक बैठ चुका है, इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ ईजिली, और वो भी ईजिली। तो मैं और जो दो है उसको भी बिठा देता हूँ फटाफट। बाकी जो दो थे मैंने उन्हें भी बैठा दिया, और इन दोनों को भी मैं एकदम ईजिली एक्सेस कर पा रहा हूँ। और अब बारी है इस जनरेटर में फ्यूल डालने का। फ्यूल डाल के इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने अभी भी कोई केबल नहीं बनवाया, एक ही डालूंगा फिलहाल, देखते काम होता है या नहीं। आई थिंक केबल चाहिए, कुछ काम हो नहीं रहा है, केबल लगेगा मुझे। तो के मैं फटाफट केबल बनवा के आता हूँ, फिर उसको सेट करेंगे केबल भी। फिलहाल मैंने बस एक ऊपर साइड लगने वाला केबल बनवाया और बाकी के केबल्स बन रहे हैं। तो पहले मैं इसको लगा के देखता हूँ काम होता है या नहीं। तो इसको सामने ले लेते हैं, और अब बस सही से कोई लग गया, ऊपर लग गया एकदम परफेक्टली। अब बस इसके ऊपर एक जो बॉक्स टाइप चीज़ है उसको लगाना है, तब उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं लगता, ऐसे वायर्स के थ्रू नहीं, जैसे मोबाइल फ़ोन के टावर्स होते हैं वैसे सिग्नल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब बहुत अजीब चीज़ है लेकिन ऐसा ही होता है। तो फटाफट मैं उसको भी लगा देता हूँ।
तो आप लोग देख ही रहे हो मैं वो चीज़ लगाने वाला हूँ। देखो लग गया है, अब देखो ऑन हो चुका है। मैंने बोला था वायर्स नहीं लगते, ऐसे जैसे मोबाइल फ़ोन के टावर्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होते हैं। बहुत अजीब चीज़ है, मुझे लगा था कि स्विच पोर्ट बनवाना पड़ेगा हर एक के लिए, लेकिन नहीं, बस जनरेटर बैठा हो और उसके ऊपर एक केबल लगा के उसके ऊपर वो बॉक्स लगवा दो, बस काम हो जाएगा। उसका कुछ हद तक रेंज है, उस रेंज तक हर एक चीज़ काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर और इलेक्ट्रिसिटी का काम तो हो चुका है थोड़ा बहुत, और भी बहुत कुछ लाइट वाइट लगवाना है, और भी चीज़ें है, कुकिंग पॉट है, कैंप फायर है, बहुत सारी चीज़ें बनवाना है, तो मैं वो सब बनवा के फिर आपसे मिलता हूँ। ओके, तो मैं ज़्यादातर चीज़ें बनवा चुका हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ तो भूल ही गया कि यहाँ पे मुझे एक ब्रीडिंग हाउस, ब्रीडिंग का रूम बनवाना था, तो इसको सही से दरवाज़ा बिठा दिया आई थिंक। ओ शिट, मैं वुडन डोर बनवा दिया, मुझे स्टोन का बनवाना था, फिर भी कोई बात नहीं, वो सारे टेम्ड है, थोड़ा इना तोड़ेंगे, इसको परफेक्टली बिठाते हैं। थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनवाना पड़ेगा। ओके, तो मैं सही से इसको बिठा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो आप लोग देख ही पा रहे हो कि मैंने इसको सही से बिठा दिया और दरवाज़ा भी लगा दिया। अब बारी है वॉल्स की, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि एक विंडो और एक डोर लगवाऊँगा। डोर तो मेरे आने जाने की, मतलब जो अंडे या फिर बच्चे होंगे उन्हें लाने की, और विंडो से मैं देखूँगा कि वो लोग करते क्या है अंदर, कर क्या रहे अंदर, वो देखने के लिए विंडो है। क्योंकि देखो अगर कोई छोटा जानवर होगा तो वो दरवाज़ा खोलूँगा तो उससे बाहर निकल जाएंगे। अब बस दरवाज़ा प्लेस कर दूँ, तो इसीलिए मैंने विंडो लगवाया। और मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा खुला रखूँगा, क्योंकि वेंटिलेशन के लिए, जैसे हवा आते जाते रहेंगे तो ब्रीडिंग प्रोसेस अच्छे से हो पाएगा, मतलब ऐसा मेरा मानना है कि वो लोग, इसलिए मैं ऊपर का हिस्सा खुला रखूँगा, क्योंकि देखो कूद के तो वो लोग आने नहीं वाले यहाँ से। अगर वैसा कुछ होता है तो मैं बाद में इनको भर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़िलहाल खुला ही रहने दो। और इनका ये जो बॉक्स है, ये मैं सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दूँगा अंदर, कोई बात नहीं। तो अब बाकी रहता है कि बाकी कामों का, मतलब जो लाइट है वो मैं लगाना है, और भी जो जो चीज़ें है उन सबको लगवाना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि और एसी भी बनवाना है, क्योंकि जो ब्रीडिंग होगा उसके बाद जो अंडे निकलेंगे उन्हें तो ठंडा करना पड़ेगा, तो उसके लिए एसी भी चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक और जनरेटर बना लूँ इस एसी और जो लाइटिंग है उसके लिए, क्योंकि जो मैंने जो जनरेटर पहले बनवाया था वो सिर्फ फ्रिज के लिए यूज़ होगा, क्योंकि रात को जब लाइट चाहिए तो मैं जस्ट वो जनरेटर ऑन करूँगा और सारा लाइट जल जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना मुझे खुद जाके जलाना भी पड़ेगा और बुझाना भी पड़ेगा, उससे बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने सोचा कि एक ही लगवाएंगे और उससे फटाफट जला देंगे। तो मैं वो सारी तैयारी करके फिर आपसे मिलता हूँ, और तब तक मैं इन चीज़ों को फ्रीज में डाल दूँगा। जितना भी चीज़ें चाहिए था वो सब मैंने बना लिया है, बेड, जनरेटर, फ्री एसी और लाइट वगैरह सब कुछ। अब मैं यहाँ पे जनरेटर प्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि देखो इस चीज, मतलब जो जनरेटर है वो बाहर से नहीं दिखेगा, तो मैं इसे जितना हो सके दीवार के अंदर ही रखूँगा, क्योंकि उससे जगह बहुत कम वेस्ट होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह पे मैं एसी लगवा दूँ, क्योंकि एकदम पास रहेगा जनरेटर का, तो बस मुझे जनरेटर ऑन करना है और एक काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल दो एसी लगाने वाला हूँ, अब अगर दोनों से काम नहीं हुआ तो फिर एक लगा देंगे। तो फिलहाल सही से बिठा देता हूँ, इसका मुंह सही से उड़ा है ना एकदम परफेक्टली, तो मैं दूसरे वाला भी परफेक्टली बिठा देता हूँ। तो जो दूसरा वाला एसी था उसे भी मैंने एकदम सही से बिठा दिया, और बीच यहाँ पे बीच में अंडर रखूँगा तो आसानी से वो ठंड हो जाएगा। और तो अब बढ़िया कनेक्शन सेट करने का, तो मुझे एक वायर लगेगा और जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करने वाला बॉक्स है वो लगेगा, मैं उन दोनों को सही से लगा देता हूँ। तो आप लोग देख ही पा रहे हो कि मैं हॉट बार में वो दोनों सेट कर दिया है, और अब बस लगाने की बारी है। अबे पहले मैं फ्यूल डाल लेता हूँ, ठीक है, अब इसे सेट करते हैं। अबे दिख क्यों नहीं रहा है, अबे सेट तो हो चुका है लेकिन दिख नहीं रहा है मुझे, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अबे पर नीचे के साइड लग गया, ऊपर नहीं नीचे लग गया, चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, अगर ज़मीन के अंदर रहेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देखो प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को दिखाई नहीं देगा, और भी ज़्यादा बेहतर है ये चीज़। देखो ज़मीन के अंदर चला गया, अब बस इसको ऑन करना है, और कनेक्शन भी हो गया है, तो बस ऑन करने से देखो
ठंडी ठंडी हवा निकल रहा है यहाँ से, एकदम परफेक्ट। वैसे तो मुझे ठंडा नहीं लग रहा है यहाँ से यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, हो चुका है तैयार। अब बारी है बेड की और लाइटिंग की। फ़िलहाल जो बेड है वो मैं यहीं पे प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि ये जगह मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है बेड के लिए। और यहाँ पे साइड में मैं एक लाइट लगाऊंगा, तो उसे भी लगा देते हैं फटाफट, देर किस बात की। आई थिंक वो लाइट जनरेटर से कनेक्टेड हो जाएगा, यहाँ पर एकदम परफेक्ट प्लेस है। ओके, तो वो कनेक्टेड हो चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एकदम जो तार दिख रहा है एक सिग्नल जैसे। तो अगर मैं जनरेटर ऑन करूँगा तो वो लाइट ऑन हो जाएगा। और मैं यह टेबल के पास एक और बॉक्स रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जो चीज़ें क्रश करूँगा या फिर बनवाऊँगा या इससे, वो सब चीज़ें मैं इस जो बॉक्स है इसके अंदर रख पाऊँगा। जैसे फ़िलहाल मेरे पास इतने हैं जो मैं रख देता हूँ इसके अंदर। और आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि मैंने एक GPS बना लिया है, लेकिन GPS और मैप दोनों एक साथ ज़रूरत है या नहीं मुझे नहीं पता। पहले GPS ऑन करके देखते। ओ तो यहाँ से मैप ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है अपन, लेकिन GPS का जो रेटिंग है वो कुछ नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैप देखे वही काफ़ी है। वैसे भी GPS का रेटिंग से फ़िलहाल कोई काम है नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगा तब जो हॉट वायर है सामने से हटा दूंगा मैं। और अब बारी है खाने पीने के इंतज़ाम की। तो यहाँ पर मैं एक दरवाजे के दोनों साइड पे मैं दो कैंप फायर बिठाने वाला हूँ। यहाँ पे कुकिंग भी होगा और थोड़ा सा लाइटिंग भी बना रहेगा। और अब बारी है कुकिंग पॉट की, वो मैं यहाँ पे बिठाने वाला हूँ, क्योंकि देखो अगर दो कुकिंग पॉट की ज़रूरत पड़े तो मैं उस साइड पर भी एक और बिठा पाऊँगा, जो एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आई थिंक इतना जो काम है आज के लिए काफ़ी है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे काम किया, एक ब्रीडिंग हाउस बनाया, दो जनरेटर, AC, फ्रिज, बहुत कुछ। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो पार्किंग प्लेस है वो है ये जगह एकदम सीधा। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि डायनोस को पार्क करके रखूँगा, मतलब उन्हें रखूँगा। और आप देख ही पा रहे होंगे तो मेरे पास बहुत सा ज़्यादा खुली जगह है, तो मैं अगर मेरे और भी डायनोस बनते तो उन्हें भी मैं यहाँ पे पार्क कर सकता हूँ, और जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा तो उन्हें भी बिठाएंगे। तो और नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि ये जो बाहर का जो एरिया है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है आप देख ही पा रहे होंगे, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं वॉल्स बना दूँ, क्योंकि ये देखो सामने बहुत सारे डायनोस बेकार घूम रहे हैं जो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं पूरी जगह वॉल से घिरने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको वो देखना है तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो बेल आइकन है उसे ऑल पे कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँगा आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए वीडियो आई थिंक काफ़ी होगा, क्योंकि बहुत सारा काम कर लिया है हमने इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और ये जो रेनोवेशन का काम है, जो चीज़ें मैंने जहाँ पे बिठाया आपको कैसा लगा तो ये भी कॉमेंट पर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। अच्छा चल।